हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजाता। आज आप लोगों को बताऊंगी पेटीकोट में नए डिजाइन किस तरीके से बनाते हैं। आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि आज हम पतला ऊन धागा से बनाएंगे और सुई से बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये ज़्यादा प्राइस नहीं है, 5 रुपया में मिल जाता है। और आप तो देख सकते हैं इस सुई यूज़ कर रहे हैं इसके साथ। तो आज सुई और धागा से आज हम आप लोगों को नए डिजाइन किस तरीके से बनाते हैं हम बताएंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए, शुरू करते हैं। धागा खोलना है, उसके बाद सुई में पार करना है। आप लोग देख सकते हैं फंस गया है। आप लोगों को जितना चाहिए उतना ले लीजिएगा अपना हिसाब से। तो हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा धागा लेने से इसमें फंस जाता है, इसलिए हम ज़्यादा धागा नहीं ले रहे हैं। और यहाँ दोनों को बराबर करके इसमें गांठ लगा देना है इस तरीके से, 2 बार। देखिए अभी ले लिए हैं, अभी शुरू करते हैं। इधर बाहर साइड है, ये अंदर साइड है। तो हम अंदर साइड से बाहर साइड की ओर सुई पार करेंगे इस तरीके से। फिर इसको इस तरीके से जहाँ शुरुआत हम पार ये सुई पार किए थे उसी में दोबारा हम उसी में ही पार करेंगे और इसको इस तरीके से घुमाएंगे। ज़्यादा खींचना नहीं, ज़्यादा खींचने से थोड़ा मोड़ जाएगा कपड़ा, तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो जहाँ हम शुरू सुई पार किए थे उसी में हम दोबारा पार करेंगे, 6 बार पार करना है। फिर इसमें हम 3 बार पार कर चुके हैं, फिर इसको इस तरह करके इधर धागा को रखना है, उसके बाद सुई को आराम से खींचना है ताकि आपका अच्छा बनेगा। इधर डिजाइन नहीं दिखेगा, इधर से दिखेगा। फिर इस तरीके से पार करना। हो गया इसमें, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम इसको छोटा लेंगे, छोटा छोटा, बड़ा नहीं लेना है हमको। इससे भी छोटा सुई पार करना है इसमें। फिर इस सुई को
धागा को ये सुई से इस तरीके से इधर घुमाना है। फिर इसमें तीन बार लेंगे, एक बार हो गया है, फिर हम दूसरा बार ले रहे हैं, पार कर रहे हैं। बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग अगर इसको सीख पाए, अच्छा से देख पाइएगा तो बहुत जल्दी सीख पाइएगा। फिर और एक बार हम पार करते हैं और धागा को इस तरीके से करेंगे। फिर ऐसे हो गया। फिर हमको ये जैसे हम 6 बार इसमें पार किए तो उसी तरह का हमको यहाँ भी बनाना है, तो हम इसमें हम बना रहे हैं, यहाँ लास्ट किए, उसके बाद हम इसी के 12 बार देखेंगे। नहीं तो आप इसको नहीं देखिएगा तो आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए हम इसी को देखेंगे, इसी के 12 बार, उसके बाद हम सुई इसमें पार करेंगे। पार करने के बाद इसको ये धागा को आप हम सुई से इस तरीके से घुमा रहे हैं। देखिए इस तरीके से देखिए, इसमें हो गया 6 बार। फिर यहाँ छोटा जैसे 3 बार लिए हैं और उसी तरीके से इसमें लेंगे। देखिए इस तरीके से दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कैसे बनाए हैं।
और अभी धागा भी ख़त्म हो गया, फिर दूसरा हम लोग इसमें जोड़ के फिर से बनाएंगे। देखिए हम धागा ख़त्म हो गया था, दूसरा धागा इसमें जोड़े हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम शुरू करेंगे। फिर इसी के बराबर हम इसमें लेंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। फिर ऐसे आप जितना लंबा बना सकते हैं, आप इसमें पेटीकोट में भी बना सकते हैं, रुमाल में भी, दुपट्टा में भी, साड़ी का आंचल में भी इसको ये डिजाइन आप बना सकते हैं। हो गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला का है। इतना देर पे मेरा वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल में जो न्यू है उन लोग लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और धन्यवाद।